बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कचरा महोत्सव कार्यक्रम 1 जुलाई से 5 जुलाई तक संपूर्ण बिहार में चलाया जा रहा है। इसमें बच्चे कचरा से विभिन्न प्रकार के काम में आने वाले सामान बनाने का काम कर रहे हैं। इससे बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के पंचवीर पंचायत स्थित आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना में आयोजन किया गया, जहाँ पर बच्चों ने कचरा से बहुत सारा उपयोगी सामान बनाए। इस संबंध में आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना के प्रधानाध्यापिका विभा रानी ने बताया कि बच्चों को बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ YouTube से भी उन्हें बहुत सी जानकारियां दी गई, जिससे कि कचरा में फेंके जाने वाले यूजलेस सामान को भी हम किसी न किसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें बल्ग अष्टम के छात्रों रोहित कुमार, शिवम कुमार और नीतीश कुमार ने ठंडी हवा देने वाली कूलर को एक मोटर के सहारे बैटरी से चलाकर थर्मोकोल से बनाया। वहीं माचिस की खाली बॉक्स से बच्चों ने दीवार पर लगाने के लिए गुलदस्ते बनाए, जिसमें गुंजा कुमारी, सोनी कुमारी, ज्योति कुमारी, राखी कुमारी ने भी अपना योगदान दिया। देखा जाए तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ कई सामग्रियों के अंधाधुंध उपयोग और कचरे के अवैज्ञानिक निपटान से मानव अस्तित्व के गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इसके समाधान को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा कचरा महोत्सव योजना का संचालन किया गया। यह एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। साहेबपुर कमाल से बबलू कुमार, DNC लाइव साहेबपुर कमाल। आपके स्कूल के द्वारा इतना सराहनीय कदम उठाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सरकार के द्वारा एक चिट्ठी निकली थी कि 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक स्कूल में कचरा महोत्सव मनाना है, जिसके द्वारा स्वच्छता से क्या फ़ायदे हैं, उसके साथ साथ हम कचरा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, गीला कचरा कहाँ रखेंगे, सूखा कचरा कहाँ रखेंगे, क्यों रखेंगे, इसके बारे में जानकारी के साथ साथ उसके क्या फ़ायदे हैं इसकी भी जानकारी के साथ साथ उसमें यह उत्साहित करना था बच्चों को कि आप घर के कूड़ा कचरा से आप कुछ भी बना सकते हैं जो कि घरों में, स्कूलों में प्रयोग हो सकता है। तो हमने इन लोगों को थोड़ा सा जो हमें जानकारी थी उसके माध्यम से थोड़ा सा मोबाइल से दिखा करके, समझा करके, इन लोगों को सिर्फ हमने प्रोत्साहित करने का, उत्साहित करने का, सिर्फ रास्ता दिखाने का काम किया है। बाकी ये लोग खुद ब खुद अपना दिमाग लगाए हैं, घरों से लेकर के स्कूल तक में बैठ करके इन लोगों ने इतना सारा मॉडल बनाया है, जिसमें सबसे सराहनीय है जो इन लोगों ने, इसने रोहित कुमार मिश्र जो हमारे बाल संसद के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कूलर बनाया है, पेन होल्डर बनाया है जो ऑफिस के यूज में आएगा, गुलदस्ता, वॉल हैंगिंग, कूड़ेदान वगैरह वगैरह चीज़ें बच्चों ने बनाया है, जो कि भविष्य में ये बच्चों को यह मॉडल जो है आगे ले जाने का काम करेगा।